फिल्म की शुरुआत में हम कैथरीन को किसी फिलिपिन नाम के बंदे से सवाल करते देखते हैं कि क्या हम सच में समय की यात्रा करके वर्ष 1994 के समय में आ गए हैं। इस पर फिलिपिन कैथरीन को जवाब देता है कि उसने यानी कि रॉबर्ट ने कैथरीन को ऐसा सोचने के लिए यकीन दिलाया है जो इन सब से बहुत तेज है। फिर सीन में हमें एक किले जैसा घर दिखाया जाता है जहाँ कैथरीन और फिलिपिन अपनी कार से बाहर कदम रखते हैं और कैथरीन सामने खड़ी लीन से पूछती है कि क्या तुम्हें भी रॉबर्ट ने बुलाया है, जिस पर लीन जवाब देती है कि रॉबर्ट उनका काफी अच्छा दोस्त है, पर उस केलेनुमा घर का दरवाजा अंदर से बंद होता है। यहाँ हमें दो लोग और दिखाए जाते हैं जिनके नाम जैक और लुइस होता है। तभी एक लेडी जो रॉबर्ट की पर्सनल फिजिशियन भी होती है उस घर के दरवाजे को खोलती है और उन सबको उनके कमरे दिखाने की बात कहती है और ये भी खबर करती है कि अभी रॉबर्ट यहाँ नहीं है जो 8:30 बजे ग्रैंड सलून में उनसे मिलेगा, इसलिए उन सबको लेट ना होने की विनती करती है। अगले सीन में सभी लोग ग्रैंड सलून पहुंचते हैं जहाँ रॉबर्ट की एंट्री होती है जो सबका परिचय कराता है। तभी लुइस रॉबर्ट से सवाल करती है कि तुमने यहाँ सबको क्यों बुलाया है, जिस पर रॉबर्ट जवाब देता है कि उसने एक विस्मयकारी खोज की है जहाँ वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय में एक नाजी कर्नल नेम हैंस कैमलर जो एक क्वांटम फिजिसिस्ट भी थे जो अपनी टीम के साथ मिलकर एक पार्टिकल एक्सीलरेटर पर काम कर रहे थे जिसमें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाकर चीजों को हवा में लेविगेट करने की क्षमता भी थी के बारे में बताता है। पर रॉबर्ट ये भी खुलासा करता है कि उन सबको किसी और वजह से बुलाया गया है। वो उन्हें एक यंत्र स्पेक्ट्रम दिखाता है जिसकी मदद से उसने एक खास वेव्स की खोज की है और हैंस कैमलर के रिसर्च को पढ़कर उसने ये भी पता लगा लिया कि वो खास तरह की वेव्स आज के दिन लगभग 11:30 बजे रात में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी। यदि आज की रात 11:37 पर स्पेक्ट्रम के बटन को दबाया गया तो वो सभी समय यात्रा करके आज से ठीक 70 साल पीछे 18 मई 1994 के समय में पहुंच जाएंगे। इसलिए रॉबर्ट उन सबको पहले पुराने जमाने के कपड़े पहनवाता है और उन्हें उनका काम समझाता है जिससे यदि कोई 1994 के समय में उनसे कुछ सवाल करे तो वो सब बिना अपनी असल पहचान को रिवील किए जवाब दे सके ताकि कोई उन्हें पहचान न सके कि वो भविष्य से आए हैं। अब ठीक 11:37 होने पर रॉबर्ट स्पेक्ट्रम के बटन को दबाता है और सब कुछ ऐसे नजर आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सभी आपस में सवाल करती कि क्या वो समय यात्रा करके 70 साल पीछे गए भी कि नहीं। फिर तभी बादल गरजने की आवाज आती है और बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है जबकि बटन दबाने से पहले आसमान बिल्कुल भी साफ था। इसका मतलब कि शायद वो सभी समय यात्रा करके 70 साल पीछे 18 मई 1994 में आ चुके हैं। फिर किसी के दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है और लुइस दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है जिस पर रॉबर्ट उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इससे सारा इतिहास बदल सकता है। लेकिन लुइस जिसे अब तक लग रहा था कि रॉबर्ट उनसे मजाक कर रहा है वो समय यात्रा नहीं किए इसलिए उसकी बात को इग्नोर करके दरवाजा खोल देता है जहां उसे एक घायल फ्रेंच लेडी मिलती है जिसके कंधे पर गोली लगी होती है। रॉबर्ट की फिजिशियन एल्सा उसके कंधे की गोली निकालती है जिस गोली को देखकर फिलिप बहुत रोमांचक हो जाता है क्योंकि वो एंटिक चीजों का शौकीन होता है। फिर तभी इन सबके पास वही फ्रेंच लड़की रिकवर करके आती है और उन सबसे पूछती है कि तुम सब कौन हो। वो दरअसल ये जानना चाहती कि कहीं वो सभी नाजीस के लोग तो नहीं, जबकि लुइस जैक फिलिप लीन और कैथरीन को लग रहा होता है कि ये लड़की भी प्रैंक में शामिल है और नाटक कर रही है जिसे रॉबर्ट ने एक्टिंग के लिए पैसे दिए हैं। जबकि वो लड़की ये बताती है कि वो किसी एसएस से बचकर आई है। अब एल्सा उस लड़की को ले जाती है और रॉबर्ट बताता है कि वो शायद रेजिस्टेंस ग्रुप की मेंबर है यानी कि वो नाजीस के खिलाफ लड़ रही है। अब मूवी आगे बढ़ती है और हम लुइस कैथरीन और लीन को देखते हैं जहां कैथरीन बताती है कि 20 मई 1994 को ब्रॉडक्स में नाजीस ने लोगों की जान ली थी जिसमें उसकी दादी बच गई थी क्योंकि किसी अनजान ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ब्रॉडक्स में जर्मन की सेना आने वाली है। अगले दिन सुबह लुइस घर से बाहर निकल जाता है जहां वो पोस्टमैन से एक न्यूज़पेपर लेकर आता है जिस पर 19 मई 1994 का तारीख होता है। फिर भी उन सभी को लगता है कि वो अब भी 2014 के समय में है ना कि 70 साल पहले 1994 में। उन्हें ये सब रॉबर्ट का सेटअप लग रहा होता है। वहीं रॉबर्ट लुइस पर गुस्सा हो जाता है कि वो बाहर क्यों गया क्योंकि किसी भी छोटे मोटे बदलाव से भविष्य में बड़ा बदलाव हो सकता है। फिलिप न्यूज़पेपर को पढ़ता है जिसके बाजू में बैठी कैथरीन कहती है कि 20 मई को यानी कि अगले दिन ब्रॉडक्स में कत्लेआम होगा, जिस पर फ्रेंच लड़की जवाब देती कि अगर तुम्हारी बात सच है तो किसी न किसी को ये बात बताना पड़ेगा जिससे ब्रॉडक्स के लोगों की जान बच सके। लेकिन रॉबर्ट कहते कि हम किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं करेंगे, जबकि कैथरीन कहती कि मासूम लोगों को मरने और उन्हें कैद होने से पहले ही बचाना होगा। कैथरीन अब तुरंत फोन लगाने लगती है पर
रॉबर्ट पास में ही रखी कैची को उठाकर टेलीफोन के तार को काटने पड़ता है। पर तभी वही फ्रेंच लड़की रॉबर्ट पर बंदूक तान देती है। पहले तो सब सोचते कि ये बंदूक खाली है, लेकिन वो एक गोली कांच के ग्लास पर चलाती है और सभी अब एकदम से डर जाते हैं। तभी एल्सा उस लड़की को समझाती है कि हो सकता है कि ये टेलीफोन टैप हो रहा हो और इससे की गई बातों को दुश्मन सेना सुन सकती है, जिससे सभी खतरे में पड़ सकते हैं। जिससे वो थोड़ा शांत होकर अपनी बंदूक को नीचे ले लेती है और सबके साथ चुपचाप सुबह का नाश्ता करती है। दोपहर में अब सभी चुपचाप सोने लगते हैं, जिससे लीन समझ जाती कि रॉबर्ट ने उन सबके ड्रिंक्स में कोई दवा मिला दी ताकि वो भूतकाल से कुछ छेड़खानी ना कर सके, इसलिए वो लुईस को ड्रिंक पीने से रोकती है। लुईस अब उस फ्रेंच लड़की के पास जाता है जो सो रही होती है, पर लुईस के उसे छूने पर वो जग जाती है और वो दोनों भी शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए दोनों भी इंटीमेट होते हैं। लुईस उसे कहते हैं कि क्या उसे घाव सच में लगी है, जिस पर वो लड़की एकदम हैरान में कहती है कि क्या तुम मेरा घाव देखना चाहते हो, और लुईस के हाँ कहने पर वो अपनी पट्टी हटा देती है। रात में डिनर के समय में कैथरीन भी उस फ्रेंच लड़की से कहती है कि क्या उसे सच में गोली लगी है, जिसका जवाब देते हुए वो कहती कि क्या तुम सभी को मेरा घाव देखना है, जिस पर जैक अब भी टाइम ट्रैवल का विश्वास ना करके रॉबर्ट की तरफ देखकर कहता है कि रॉबर्ट ने इस लड़की को भी काफी ज्यादा पैसे दिए होंगे, जिसने खुद को ही गोली मार ली। पर फ्रेंच लड़की सफाई देती है कि ना ही तुम्हारे दोस्त ने मुझे कोई पैसे दिए हैं और ना ही उसने मुझे गोली मारी है, बल्कि मुझे जायडोंग ने गोली मारी थी, जिसे जवाब में मैंने उसको पेट में गोली मारी और उसे वहीं ढेर कर दिया। तभी फिर बाहर कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती है और जैक खिड़की के पास जाकर देखता है कि कुछ लोगों ने एक आदमी को शूट करके उसकी जान ले ली, जो पीड़ित शायद एक फ्रेंच था जिसे जर्मन्स ने मारा, जिसकी मौत पर वो फ्रेंच लड़की रोने लगती है। पर बेवकूफ फिलिप ये देखकर ताली बजाने लगता है और उस फ्रेंच लड़की की तारीफ भी करने लगता है कि वो बहुत अच्छी है एक्टिंग करने में, जिससे फ्रेंच लड़की का माथा सनक जाता है और वो गुस्से में फिलिप पर गन तान देती है, लेकिन लुईस उसे गोली मारने से रोक लेता है। अब हम पास में ही खड़ी परेशान कैथरीन को देखते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी का फर्स्ट सीन देख पाते हैं, जहां कैथरीन फिलिप से पूछ रही होती है कि क्या वो सब सच में 1994 में आए हैं, जिस पर फिलिप कहता है कि रॉबर्ट ने हमें ऐसा सोचने पर मजबूर किया है और यहीं से मूवी की शुरुआत हुई थी। रात में अब चोरी से कैथरीन टेलीफोन से कॉल करती है और ऑपरेटर से कहती है मिस्टर एंड मिसिज विंसबर्ग को फोन कनेक्ट करने के लिए, जो ब्रॉडक्स में रहते हैं, जिसके बाद टेलीफोन पर हम किसी बच्ची की आवाज सुनते हैं जो अपना नाम हेलिन बताती है, जिस पर कैथरीन पूछती है कि क्या हेलिन उसे अपने टीचर का नाम बता सकती है, जो काफी कठोर स्वभाव की थी। हेलिन अपने टीचर का नाम आराम से बताती है, जो सुनते ही कैथरीन उसे आज की डेट पूछती है और हेलिन बताती कि आज 19 मई 1994 है, जिसके बाद कैथरीन तुरंत घबराए आवाज में उसे अपने पेरेंट्स के साथ भागने को तुरंत कहती है क्योंकि वो आ रहे हैं। यहाँ कैथरीन दरअसल जर्मन्स की बात कर रही होती है क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में पीछे ट्रैवल कर गई है। आगे हम देखते हैं कि जैक लुईस और फिलिप रात में बाहर घूम रहे होते हैं, जहाँ उनका सामना जर्मन सोल्जर से होता है जो किसी आतंकवादी को ढूंढ रहे होते हैं, जिस आतंकवादी ने उसके ऑफिसर को जान से मार दिया होता है। उनमें से एक सोल्जर उनसे कहता है कि जिस किसी ने भी उस आतंकवादी को शरण दी होगी उनको भी उसी के साथ जान से मार दिया जाएगा। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि ये सोल्जर्स उसी फ्रेंच लड़की को ढूंढ रहे हैं, पर जब वो वापस आते हैं तो रॉबर्ट उन पर गुस्सा करता है कि आखिर वो बाहर क्यों गए। अब सीन लुईस और फ्रेंच लड़की की तरफ मुड़ जाती है, जो रात में बाहर आसमान के नीचे बैठे होते हैं, जहां दोनों भी एक किस शेयर करते हैं और उस लड़की के पूछने पर लुईस बताती है कि वो भविष्य के साल 2014 से आया है और आगे क्या होगा ये भी बताता है, यानी कि जर्मन्स की हार 8 मई 1975 को होगी, जिसे सुनकर फ्रेंच लड़की खुश हो जाती है। अगले दिन दो जर्मन ऑफिसर्स इनके घर में आते हैं और रॉबर्ट से कहते हैं कि कॉफी की स्मेल की वजह से वो यहाँ खींचे चले आए। रॉबर्ट उन्हें अंदर ले जाता है जहाँ जैक लीन और लुईस भी होते हैं, जहाँ एक जर्मन अपने ऑफिसर को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि ये हांस कैमलर है, जिस पर जैक हंसने लगता है क्योंकि उसे अब भी ये सब एक्टिंग लग रहा होता है। दोनों जर्मन उसे गुस्से में जैक के हंसने की वजह पूछते हैं, जिस पर रॉबर्ट ही कहकर बात को टाल देता है कि जैक की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दूसरा ऑफिसर बाथरूम चला जाता है और हैंस कैमलर वहीं रुक जाता है और जैक को सिगरेट के लिए पूछता है, जिस पर जैक अपनी लाइटर निकालता है और हैंस कैमलर शक होने की वजह से उसकी लाइटर रख लेता है। तभी दूसरे ऑफिसर को बाथरूम में देखकर कैथरीन चीखते हुए उन सबके पास आती है और उसके पीछे फिलिप भी आता है, जो हैंस कैमलर को देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है और हैंस कैमलर की परमिशन लेकर उसके मेडल की जांच
जांच करने लगता है। अब दोनों ऑफिसर उसकी इस हरकत को देखकर खुश होने का दिखावा करते हैं, पर उन्हें अब कुछ गड़बड़ की भनक आने लगती है, जिसके बाद वो उनसे उन फ्रेंच लड़की के बारे में पूछते हैं जिसने एक ऑफिसर की जान ली है। वो सब कहते कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हैंस कैमलर अब जैक का लाइटर वापस करता है और अब दोनों जर्मन्स उन सब पर बंदूक तान देते हैं। इसके बाद वहाँ वही फ्रेंच लड़की आती है और इन दोनों ऑफिसर्स को अपने बंदूक के निशाने पर रखती है। रॉबर्ट उसकी बंदूक गिराता है और कहता है कि कोई किसी को नहीं मारेगा। ऑफिसर्स उनसे कहता है कि तुम सभी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हो, जिसका जवाब देते हुए वो फ्रेंच लड़की कहती है कि मुश्किल में जर्मन्स आने वाले हैं, और उन दोनों जर्मन्स को लुईस की कही सारी बात बता देती है कि किस तरह जर्मन से युद्ध हार जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में नॉर्मैंडी में एलाइड सोल्जर्स आ जाएंगे। हांस कैम्बलर अब समझ जाता है कि ये सब जरूर भविष्य से आए हैं, जिसे जानने के बाद दूसरा ऑफिसर मौका देखकर घर से बाहर निकल जाता है। अब फ्रेंच लड़की को देखते हुए हांस कैम्बलर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि नॉर्मैंडी में एलाइड ट्रूप्स आएंगे, जिसकी बात को सुनकर फ्रेंच लड़की समझ जाती है कि जो ऑफिसर बाहर गया वो जर्मन के टॉप कमांडर्स को इस बात की जानकारी देने गया है कि नॉर्मैंडी में क्या होने वाला है। हांस कैम्बलर इशारा करता है और फ्रेंच लड़की अपनी बंदूक लेकर बाहर जाती है और उसी ऑफिसर को जान से मार देती है। अब हांस कैम्बलर रॉबर्ट से विनती करता है कि मुझे भी भविष्य में जाना है, पर तब तक रॉबर्ट स्पेक्टर का बटन दबा देता है, जिससे सभी वापस 2000 में लौट आते हैं। लुईस घर से बाहर जाता है, जहां रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम सच में लुईस को पसंद करते थे, जिस पर लुईस हाँ में जवाब देता है कि वो उसे दिलो जहाँ से पसंद करता था। अब लुईस रॉबर्ट से सवाल करता है कि क्या वो उसे दोबारा देख पाएगा, जिस पर रॉबर्ट कहता है कि ये कहानी अब खत्म हो चुकी है, मतलब कि लुईस उस फ्रेंच लड़की को कभी नहीं मिल पाएगा। मूवी के आखिरी सीन में हम कैथरीन लैपटॉप पर सबको अपनी दादी का इंटरव्यू दिखाती है, जहां उसकी दादी बताती कि किस तरह 1994 में एक अनजान लड़की का कॉल आया, जिसने उन्हें चेतावनी दी कि जर्मन्स आ रहे हैं, जिसके कारण उनकी जान बच पाई। वो बताती कि उस अनजान शुभचिंतक ने अपना नाम कभी नहीं बताया, पर एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि कैथरीन ने ही भूतकाल में अपनी दादी की जान बचाई थी। और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।